वहाँ पे जब SRA का मीटिंग हो रहा था करबला में, तब आप वहाँ पे विरोध करने के लिए क्यों गए थे? कैसे मालूम है क्या? हम जो विरोध करने के लिए गए थे, ये विरोध हमारे स्वार्थ के लिए नहीं था। अगर कोई विकास के बारे में कुछ कर रहा है तो हमारा तो समर्थन है, लेकिन अगर हमारे एरिया के कुछ लोग अगर अनएजुकेटेड है, जिनका उस SRA से अगर जान पहचान नहीं है, तो अंदर चल क्या रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। इसी को और इसी मुद्दे को लेकर हम और हमारे सहकार मित्र सब वहाँ पे गए थे। ये सर योजना सरकारी योजना है और साठेनगर बस्ती में 2006 से यह स्कीम चलाई जा रही है, पर इसकी स्कीम के नाम पे सिर्फ लोगों को आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। पंचवीस वर्षापासून ज्या टाइमाला इथं चिखड होता त्या टाइमाला बिल्डरला म्हणजे ही जागा लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नगर दिसलं नाही त्यांना, आणि कसे कसे डोमिनेशन झाले आणि कसे कसे झेलं, ज्या टायमाला हे साठे नगरचं एकदम सोनं झालं त्या टायमाला बिल्डर लोकांची अशी नजर पडली। तर मला सांग की ना, बिल्डर लोक साठे नगरच्या लोकांना कसे फसवतात? झालं आपल्या दिवाळी आली की यांचे बिल्डर लोकांचे खबर उडती, कोणाचे बोनस भेटलेले असतात, कोणाचे पगार भेटलेले असतात, डॉक्युमेंट्स कोणाचे नसतात, त्या टायमाला आश्वासन देत आम्ही तुम्हाला घर घेतलं, तुम्हाला घर देऊ, नंतर ज्याला चावी द्यायच्या टायमाला तुमचे पेपर सबमिट करा तेव्हा तुम्ही तुमची चावी घेऊन जा। रोजगार ना होने के वजह से साठे नगर के लोग बिल्डर के साथ मिलकर कमेटी बनाते हैं और बिल्डर उनको हर महीने पैसे देता है ताकि दूसरे बिल्डरों को और SRA कमेटी को लगे कि इस बस्ती के लोग हमारे साथ में है। पिछले 10 सालों में 10 बिल्डर आकर चले गए, उनमें से 3 बिल्डरों के ऑफिस साठे नगर में है, एक कलेक्टर सर्वे हुआ है। त्यांच्या जे कमिटी असतात त्या कमिटी लोकांपर्यंत बात कशी पोहोचवतात? तर 8000 लोकांमध्ये 20 लोक कसे SRA ची स्कीम कशी पोहोचवतात की त्या मीटिंगमध्ये अशी गोष्ट झाली आणि मला आता ही लोकांना सांगायची, ती कशी सांगतात लोकांना? का सांगतच नाही? लोकांना सांगितच नाही। जे आंबिकावाल्यांनी मागे नोटीस ते लावले होते, एकदम लपून लावले होते, कलेक्टरचे लोक आले, गपशप नोटीस लावून जातात, गपशीप कारभार करून जातात, हे कोणाला सांगित नाहीत, काय नाहीत। जे कमिटीवाले आहेत हे समजा पैशाच्या याच्यावरच चाललेले। मग आता तुमचं पुढचं पाऊल काय आहे? पुढचं पाऊल आता एक संघर्ष मोठा तयार करायचा, संघर्ष तयार मोठा करून कुठेतरी आपल्या गरीब दलितांना न्याय भेटणार यांचं आम्ही पुढे पाऊल टाकणार। तर तुझं पण घर तुटणार आहे याच्यामध्ये? माझं बी घर तुटणारच आहे आणि मुंबईमध्ये तो बिल्डिंग समधीकडे होणारच, पण त्याला एक टाइम, टाइम म्हणजे भरपूर टाइम। सरकार ने इस योजना पर नियंत्रण रखने के लिए एक स्थायी कमेटी स्थापित की है, जिससे हम कोई भी गड़बड़ घोटाला होता है SRA स्कीम में तो हम डायरेक्टली उनको कंप्लेंट कर सकते हैं या उनको फोन कर सकते हैं। इनका नंबर है 0222-6590519 या 0222-6590405। यह हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सरकारी योजना कोई भी आए हमारी बस्ती में तो हम उसे सही ढंग से चलाए और वो सही ढंग से चले। मुंबई मानखुर से अमोल लाल झरे, इंडिया अनहट के लिए।